न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, पीएसजे टीवीएस, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, डी बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग। एक महीना बीतने के बाद भी नहीं चुने गए MIC, नगर निगम के कार्य हो रही बाधित। बुधवार को नहीं हुआ MIC के नामों की घोषणा, तो और एक महीना करना पड़ेगा इंतजार। देखें न्यूज प्रहर की विशेष रिपोर्ट। 100 दिनों के कार्य में पानी को लेकर TMC के दो गुटों में भिड़ंत, कई घायल। बहुचर्चित कोयला तस्करी कांड के आरोपी को मिली चंद दिनों की राहत। उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला शासक ने जिला कार्यालय में की सर्वदलीय बैठक। आसनसोल नगर निगम चुनाव के परिणाम 14 फरवरी को घोषित हुए थे। इसके बाद 25 फरवरी को मेयर, उपमेयर और चेयरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई थी। मेयर विधान उपाध्याय और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने 28 फरवरी को विधिवत शपथ भी ले ली थी। दोनों उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक की शपथ कानूनी तकनीकी के पेच में फंसी हुई है। बहरहाल चुनाव परिणाम को आए एक माह बीतने के बाद भी अभी तक आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्यों यानी MIC और बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो तृणमूल कांग्रेस के आपसी द्वंद और गुटबाजी के कारण मेयर परिषद सदस्यों और बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा नहीं हो पा रही है। यदि यह घोषणा बुधवार तक नहीं की गई, तो 17 मार्च यानी गुरुवार को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आसनसोल नगर निगम के नागरिकों को मेयर परिषद के सदस्यों और बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा के लिए अब एक माह तक इंतजार करना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आपसी मतभेद का भी असर आसनसोल नगर निगम बोर्ड के पुनर्गठन पर पड़ा है। MIC की नियुक्ति नहीं होने और विभागों के बंटवारे नहीं होने के कारण मेयर भी पूरी तरह से खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की जनता MIC और बोरो चेयरमैन के लिए इंतजाररत है। आम नागरिकों में यह सवाल उठ रहा है कि प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि तृणमूल नेतृत्व MIC और बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा नहीं कर पा रहा है, जबकि हाईकमान यह जानता है कि नगर निगम चुनाव के एक माह बाद ही लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है। यदि TMC के अंदरूनी गुटबाजी के कारण यह घोषणा नहीं हो पा रही है, तो यह लोकसभा उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इधर राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि आसनसोल लोकसभा केंद्र से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक तरह से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के पर कतर दिए हैं, क्योंकि इसके पहले आसनसोल लोकसभा सीट से पश्चिम बंगाल युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सायोनी घोष की लड़ने की चर्चा थी। सायोनी घोष अभिषेक बनर्जी की काफी करीबी मानी जाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधने के प्रयास किए। शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर हिंदी भाषी मतदाताओं को साधने की भी कोशिश है। वहीं राष्ट्रीय फलक पर तृणमूल सुप्रीमो ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल उपचुनाव में उतारकर इसे राष्ट्रीय फलक पर ला दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा के उपचुनाव लड़ने से राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। यानी तृणमूल अब तक जीत नहीं पाई आसनसोल सीट पर अपनी जीत श्योर करना चाहती है, इसलिए अब अभिषेक बनर्जी को भी शत्रुघ्न सिन्हा को जिताने के लिए अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी। दुर्गापुर के लावदोहा थाना अंतर्गत लपनापाड़ा ग्राम में मंगलवार पंचायत द्वारा चल रही 100 दिन के काम में उपयोग होने वाली पानी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में मारपीट हो गई, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना मिलते ही फरीदपुर थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची एवं मामला को शांत करने का प्रयास किया। वहीं घटने के दौरान एक माध्यमिक परीक्षार्थी, सुपरवाइजर समेत कई लोग घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने माध्यमिक का अंतिम परीक्षा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैलता देख भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। घटना को लेकर दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इंजन मेरा तीन भाई और एलो इसे हम प्रथम गाड़ी से फेले दे रहा। अच्छा प्रथम माथ धोर कर लो, ये जमा फमा दोनों छे पूरा। अच्छा और देख माथ धोर कर लो। हां हमला हमक माचिस कर बोल के मेडिसिन ओटा ओटा मेरे जो ये तुम्हार जो जोशी मंडल तीन भाई ओटा कादर लोक कादर मतलब ग्रामीण लोग। और अब तो आगे बीजेपी को तो এখন বাঁচার জন্য তিনি বলে
সাপোর্ট করছে বুঝেছেন তো, মাত্র করলো আমি তা বললাম যে আমার কিজের মারছিস, হ্যাঁ তো তাকে তো আমার মা আমাকে মেরিয়ে গেছে, এবার আমি একটা ওরা তিন ভাই আছে, মাত্র করলো জামা ফা ছিঁড়ে দেখুন কি করলো কি ধরনের মাত্র করলো আমাকে, বলতারাই জল নিচ্ছিল কাকিমা। যাই হোক ওই নিয়ে হয়তো মেয়েদের মধ্যে কোনো কথা কাটাকাটি হয়ে থাকে, এবার ভাইটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিল তৈরি হচ্ছিল, সেই সময় এসে ইনসেনের ছেলে আর ওই পাড়ারই একটা ছেলে জায়েদ বলে নাম, এসকে জায়েদ, ওর মায়ের নাম হচ্ছে তাহমিনা খাতুন, কোনো কথা না বলে ভাইটাকে কুড়ুল দিয়ে পাঁজরে মেরে পাঁজর ভেঙে দেয়, এমনকি এমন মেরেছে সাবলা কুড়ুল দিয়ে পরে শুনলাম, শুনে বাইরে অ্যাড দিচ্ছিলাম মানে ভোটের প্রচারের জন্য যে চুনফুন করছিলাম, তো ওখান থেকে এসে আমি দাঁড়িয়েছি কোনো কথা না বলে এসকে জায়েদ এসে সাবল করে বিশাল ওটা করে আমার হাতে বাড়ি মারে, আমার এই পাহাড়টা ভেঙে যায় ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, আর এই মারামারিটা করা যে দাঁড়িয়ে থেকে খোকন মিদ্দা, নাজিমুদ্দিন মিদ্দা আর মিয়া মল্লিক আর এসকে নবী। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए तीन शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड अपकर गार्डन आसनसोल, कॉन्टेक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी, यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श, जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क, हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है, नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है, ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है।
पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड के मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला के करीबी माने जाने वाले जयदेव मंडल, नारायण खरका, गुरुपद मांझी और नीरज बरन मंडल की सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को तीसरी बार जमानत की अवधि बढ़ा दी है। इस बार वे लोग 18 अप्रैल 2022 तक जमानत पर रहेंगे। इसके लिए कोर्ट ने पुराने शर्त को ही दोहराया है। गौरतलब है कि 23 नवंबर 2021 को चारों आरोपियों की जमानत हुई थी। पहली बार 15 फरवरी तक अवधि बढ़ाई गई थी, दूसरी बार 15 मार्च तक की अवधि थी, जिसमें जमानत अवधि बढ़ाने के लिए ये शर्त थी कि चारों आरोपी पश्चिम बर्धमान जिला में प्रवेश नहीं करेंगे, अपने पासपोर्ट को जमा करा देंगे और सप्ताह में 2 दिन इस मामले की जाँच कर रहे अधिकारी के समक्ष शारीरिक उपस्थित होंगे। गौरतलब है कि सीबीआई ने 1300 करोड़ रुपए के कोयला तस्करी मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए 27 सितंबर 2021 को जयदेव मंडल, नारायण खरका, गुरुपद मांझी और नीरज बरन मंडल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को तीसरी बार जमानत अवधि बढ़ने पर आरोपियों के वकील सोमनाथ चटर्जी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डेट छिल 23 तारीखे कोयलाखंडे सीबीआई अदालत चार जना के जमीन दी छिल। सेई जमीनेर मेयाद प्रथमे छिल 15 तारीख अब्दि ডিসেম্বর মাসে। তারপর ফ্রম টাইম টু টাইম সে জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং শেষবার যখন জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল সেই জামিনের মেয়াদ আজ অবধি ছিল। আজকে আবার আমরা দরখাস্ত করেছিলাম সিবিআই আদালতে এই জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য। কোর্ট কনসিডার করেছেন এবং জামিনের মেয়াদ 18/4/2022 অবধি বাড়িয়েছিল। যা শর্ত আগে ছিল সেই একই শর্ত রেখেছে। কী কী শর্ত রাখে? শর্ত যেগুলো ছিল যে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে ঢুকবে না, পাসপোর্ট জমা রাখবে এবং মূলত সিবিআই অফিসে রিজার্ভ প্যারেসে সিবিআই যে আয়োগ তার সঙ্গে সপ্তাহে 2 দিন করে দেখা করবে। তারা কারা? চারজন। এই চারজন হচ্ছে নরেন্দ্র কর্কা, জয়দেব মণ্ডল, নীরদ মণ্ডল আর গুরুপদ মাঝি। এখনও পর্যন্ত সিবিআই কোনো তথ্য জমা করতে পারলো এদের? সিবিআই তো বলছে যে আমরা ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছি। আমাদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো তথ্য সিবিআই তরফ থেকে এখন অবধি কিছু দেওয়া হয়নি। তারা যেটা রেগুলার প্লি নিচ্ছে যে তদন্তে সহযোগিতা করছেন, এমনি এর সাপোর্টে কোনো ডকুমেন্ট বা কিছু দেখাতে পারেনি, যার জন্য কোর্ট দুপক্ষকে শুনে বেলের মেয়াদ আবার বাড়িয়ে দিচ্ছে। আসলে সেটা তো সিবিআই বলতে পারবে, কারণ তদন্ত এখতিয়ার পুরো তদন্তকারী অফিসারের। তারা কীভাবে তদন্ত করবে, কীভাবে জাস্টিস দেবে বা দেবে না তাদের এখতিয়ার। আমরা প্রথম থেকে তদন্তে সহযোগিতা করে আসছি। আমাদের স্ট্যান্ড প্রথম থেকে এক যে আমরা তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করবো, এখন অবধি করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা তদন্তে সহযোগিতা করবো। আমার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। कोयला तस्करी कांड में निलंबित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के केंदा एरिया के महाप्रबंधक सुभाष कुमार मुखर्जी ने आसनसोल सीबीआई अदालत में सीबीआई अधिकारियों के द्वारा कुर्की की गई अपनी संपत्ति को वापस करने के लिए एक अर्जी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को करते हुए सीबीआई जज ने इस केस के जाँच अधिकारी को यह आदेश दिया कि आरोपी का किसी प्राथमिकी में नाम दर्ज नहीं है, उन्हें संदेह के आधार पर उनकी संपत्ति कुर्की की गई है, इसलिए इस मामले में उनकी भूमिका क्या है प्रमाण के साथ 30 मार्च तक स्थिति को अधिकारी स्पष्ट करे। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए सुभाष कुमार मुखर्जी के अधिवक्ता उदय चंद मुखर्जी ने बताया कि सीबीआई ने कोयला तस्करी कांड में संलिप्त होने के संदेह पर उनके मुवक्किल के घर और कार्यालय पर छापा मारकर कई कागजात, किसान विकास पत्र, नकदी जब्त कर लिए हैं। साथ ही उनके घर पर ताला लगा दिया गया, जबकि उनके मुवक्किल ने यह संपत्ति वर्ष 2008 में खरीदी थी और यह केस 2020 में हुआ है, तो इन कागजातों और संपत्तियों से इस केस का क्या संबंध है? के सस्पेक्ट करेछेन सीबीआई जे उनी एई मामलाय आरसी केस नम्बर 22/20 মামলায় উনি অভিযুক্ত, কিন্তু ওনার কোনো এফআইআরে নাম নেই। ওনাকে সাসপেক্ট করেছেন এবং সিবিআই অফিসাররা ওনাকে ওভার টেলিফোন ডিস্টার্ব করছিলেন এবং কোনো এক সময় ওনার বাড়ি থেকে গিয়ে প্রচুর আর্টিকেলস, বাড়ির দলিল এবং অনেক কিষাণ বিকাশপত্র এবং কিছু ক্যাশ টাকা সিজ করে আনেন। এই বিষয়ে হাইকোর্টের দুলাল ভট্টাচার্য অ্যাডভোকেট একটা মামলা করেন এবং হাইকোর্ট জজ সাহেব অর্ডার দেন যে লোয়ার কোর্টে গিয়ে মামলাগুলো ওই সিজ আর্টিকেলগুলো ফেরত রিটার্নের দরখাস্ত করুন। 451-এ তো রিটার্নের দরখাস্ত করা হয়েছে। আজকে এই কেসের আয়ও এসেছিলেন, এই কেসের আয়ও এসে বলেছেন ওনাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে। টিপিও বলেছে সিবিআই যে ওনাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে উনি এই কেসের সাথে যুক্ত। তখন বলছে উনি 2008-এ বাড়ি কি ফ্ল্যাট কিনেছেন আর মামলা 2020, সুতরাং এর সঙ্গে তো এর কোনো রিলেশনই নেই। এবং কেবিপিগুলো 2008-এর কেনা, আপনারা 2020-র মামলা কেন এইগুলো আটকেছেন? আপনারা ক্লারিফিকেশান দিন। 30 মার্চ আবার ক্লারিফিকেশান এবং ফার্দার হিয়ারিংয়ের ডেট হয়েছে।
आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने को लेकर मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने जिला कार्यालय के अड्डा कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र भरने के समय किसी भी कॉलम को छोड़ना नहीं चलेगा, वहाँ नील, यस, नो या डेस कुछ भी लिखना होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र के साथ एक शपथनामा पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि उम्मीदवार के नाम से कितनी चल या अचल संपत्ति है, उनके परिवार के सदस्यों के पास कितना चल और अचल संपत्ति है, इस सभी की जानकारी देनी होगी। नामांकन पत्र में जो भी कॉलम बनाए हैं सभी को भरना होगा। नॉमिनेशन काज होवे, नॉमिनेशन शुरू होचे 17 तारीख थेके, अर्थात 17 मार्च 2022। नॉमिनेशन चलबे 24 मार्च 2022 अब्दि। नॉमिनेशन फर्म जमा नेवा होबे আমাদের রিটার্নিং অফিসার, অর্থাৎ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রিটার্নিং অফিসার, তার চেম্বারের কাছেই নেওয়া হবে নমিনেশন ফর্ম। নমিনেশন ফর্ম নেওয়া হচ্ছে 17 তারিখ থেকে নেওয়া হবে, এবং টাইম হচ্ছে প্রত্যেকদিন 11টা থেকে 3টে। এনআইঅ্যাক্ট হলিডেগুলো বাদ যাবে। নমিনেশন ফর্ম পাওয়ার পরে আমরা 24 তারিখে সেই নমিনেশন ফর্মগুলো 24 তারিখ অবধি নেবো। 25 তারিখে সেই নমিনেশন ফর্মগুলো আমরা স্ক্রুটিনি করবো। স্ক্রুটিনি করার পরে 25 তারিখ বেলা 12টার পরে আমরা ভ্যালিডলি নমিনেটেড ক্যান্ডিডেট যারা থাকবেন তাদের নাম আমরা অ্যানাউন্স করবো। আর তারপরে 2 দিন উইথড্রয়ালের সুযোগ থাকছে। 28 তারিখ বিকেল 3টে পর্যন্ত কোনো ক্যান্ডিডেট ইচ্ছা করলে তার নাম উইথড্রয়াল করতে পারেন বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে পারেন। 28 তারিখ বিকেল 3টের পরে আমরা ফাইনাল ক্যান্ডিডেটের লিস্ট বা কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেটের লিস্ট আমরা এখানে বের করবো। সেই নিয়ে আজকে পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে মিটিং ছিল। পলিটিক্যাল পার্টিকে বিস্তৃতভাবে জানিয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডিএম সাহেব শ্রী এস অরুণ প্রসাদ। সঙ্গে বেহতর কারিগরি ও শুদ্ধতা সে ভরপুর গহনোঁ কে লিয়ে পধারে জস জুয়েলারি। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। नंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, मॉडर्न फर्नीचर,
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। पुरुलिया के झालदा म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 2 के कांग्रेस पार्षद तपन कुंडू को गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में अड्डा कार्यालय के समक्ष एक जुलूस निकाला गया। जुलूस पूरे परिक्रमा के बाद दुर्गापुर नगर निगम मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। बाद में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाते हुए दोबारा से वाहनों की आवाजाही चालू कराया। देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि उनकी पार्टी के पार्षद तपन कुंडू की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत हुई है, पुलिस भी इसमें मिले हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के इशारे में उनकी हत्या हुई है। झालदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन की लड़ाई के चलते ही तृणमूल कांग्रेस ने उनकी हत्या कर दी। कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए धमकी मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस में बने रहने के कारण ही उनकी हत्या की गई। घटना की जांच सीबीआई से हो। আমরা যখন ঝালদা পৌরসভা দখলের মুখে নির্দল প্রার্থীরা যখন সমর্থন করতে যাচ্ছিল সেই টাইমে তাকে প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এখনো পর্যন্ত দোষীদের কোনো রকম ধরা পড়েনি। আমরা তাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং পুরো ঘটনার আমরা একজন বিচারপতির নেতৃত্বে আমরা চাইছি সিবিআই তদন্ত। আজকেও আমাদের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী পার্লামেন্টে একই দাবি পেশ করেছেন এবং তিনি সরকারকে বলেছেন অবিলম্বে একজন বিচার বিভাগে তদন্ত এবং সিবিআই তদন্ত অবিলম্বে ঘটনায় করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে কি কর্মসূচি করলে? আজকে আমরা পথ অবরোধের মাধ্যমে আমরা এর প্রতিবাদ করেছি। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গতকাল এবং আজ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ প্রতিরোধের আন্দোলন চলছে। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के अधिसूचना 17 मार्च को जारी की जाएगी, लेकिन उसके पहले ही जिला प्रशासन चुनाव आचार संहिता को कड़ाई के साथ लागू करने पर तत्पर दिख रहा है, क्योंकि मंगलवार से ही सरकारी जगह पर लगाए गए राजनीतिक बैनर पोस्टर खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार सुबह से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ और पुलिस लाइन इलाके में सरकारी जगहों पर टंगे हुए राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर और झंडे को सरकारी कर्मचारियों ने खोलने का कार्य शुरू कर दिया। इस मौके पर कार्य कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता के तहत सरकारी जगहों पर राजनीतिक दलों का बैनर पोस्टर या झंडा नहीं लगेगा, इसलिए जो बैनर पोस्टर झंडा लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। आज इस क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन बुधवार से पूरे संसदीय क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों से राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर और झंडा हटाए जाने का कार्य जारी रहेगा। পলিটিক্যাল ফ্ল্যাগ বা ব্যানার বা পোস্টার যেগুলো আছে সেগুলো রিমুভ করা হচ্ছে। আপনি কে? হ্যাঁ, আপনি কে? আমি এফএসটি মিনিস্টার। নাম আপনার? আমার নাম স্বপন মাঝি। কত জায়গায় করা যায় করলেন এরকম? এই তো ভগৎ সিং থেকে আরম্ভ করলাম, এখন দেখি কতটা করা যায়। পুরো শহর জুড়েই? পুরো শহর জুড়ে একদম আসানসোল, আসানসোল পুরো সরি পার্লামেন্টারি যে কনস্টিটিউশন আছে সব জায়গাতেই এটা করতে হবে, সব জায়গায় ডিফেন্সমেন্ট করতে হবে। इसके अलावा जिला प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए और भी कई कदम उठा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को देखते हुए जगह जगह पर नाका चेकिंग भी शुरू कर दी है। कोविड की वजह से लॉकडाउन के कारण 2 वर्षों से स्कूल कॉलेज बंद थे, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपने सहपाठियों से मिल नहीं पा रहे थे। इसका इन लोगों को काफी मलाल था, क्योंकि 2 वर्षों से वे अपने सहपाठियों के साथ होली भी नहीं खेल पाए थे। लेकिन सरकार ने जब स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा की तो छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वे खुश हैं कि वे अपने सहपाठियों के साथ मिल रहे हैं, साथ ही पढ़ाई भी ऑफलाइन हो रही है। होली ने इस खुशी को दोगुना कर दिया। हालांकि 2 दिन बाद स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, इससे पहले ही छात्र छात्राएं अपने सहपाठियों के साथ होली खेलकर पिछले 2 वर्षों का मलाल को मिटाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में, जहां छात्र छात्राओं ने छुट्टी होने से पहले एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली। छात्रों ने बताया कि 2 साल से कॉलेज बंद होने के कारण वे अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे थे, होली भी नहीं खेले थे, लेकिन इस साल वे लोग गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे, इसलिए आज ही हम लोगों ने होली मना ली। कर रहे हैं, देखिए 2 साल बाद तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुलने के बाद सब दोस्त बंधु लोग साथ में आए हैं, मिलके खेल रहे होली, मज़ा आ रहा है। अब सबको अपना घर चल जाए, उससे पहले ही होली हम लोग खेल ले रहे हैं।
और होली का भी 3-4 दिन बाकी रह गया, उससे पहले आप लोगों का। हाँ तो सब घर जल जा रहा है ना, सब ज्यादा जन पीजी में रहता है, हॉस्टल में रहता है, सब चल जाएगा। बिहार का आदमी लोग सब बिहार का सब दूर दूर से आता है, तो हाँ सब चल जाएगा, तो इससे पहले ही खेल लेते हैं। दोस्त यार रहेंगे नहीं रहेंगे किसी का कोई पता नहीं, तो नेक्स्ट ईयर का तो पता नहीं। इस साल मस्ती कर रहे हम लोग दोस्त के साथ, दो साल बाद होली खेल रहे हैं लॉकडाउन में, तो घर पे ही होली बीता हमारा। और बाकी सौरभ आइए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम लोग को इतना दिन बाद मौका मिला। 2 साल से तो हम लोग घर से निकले नहीं कोविड के लिए, इतना दिन बाद निकले, कॉलेज आके कॉलेज खुला है, बहुत अच्छा हम लोग को महसूस हो रहा है। अच्छा से खेल भी रहे हैं हम लोग, दोस्त यार मिल रहे हैं, सबसे सबको मुलाकात हो रही है। फिर अब तो छुट्टी हम लोग को अपना घर चल जाएंगे, फिर अब कब आएंगे नहीं आएंगे फिर क्या होगा, इसलिए जब जो दिन है 1 साल और बचा हुआ है हमारी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, पीएसजे टीवीएस, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, ली बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग,